चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम चलते हैं फर्दर और हम बात करते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, आज का हमारा जो बुनियादी तौर पर टॉपिक है वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आज हमने स्टडी करना है। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रीएम्बल शामिल किया गया था। ठीक है, सबसे पहले 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल शामिल किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 में जो है ये एनफोर्स किया गया था। 23 मार्च 1956 में इट वाज द फर्स्ट रिपब्लिक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिपब्लिक का नाम भी देते हैं, इसके अलावा हम लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं। ये आपने इसके साथ नोट कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है आईन। ठीक है, लास्ट क्लास में बात हुई थी कि आईन क्या है, बहुत मुख्तसर मैंने आपको बताया था, एक कानून की किताब है। अच्छा, अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिपब्लिक भी अक्सर कह रहे होते हैं और इसके साथ हम लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो 56 का ये पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान का फर्स्ट रिपब्लिक था जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहते हैं इब्तदाई या दिभाषे को, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो हमारे आइन का हमारे आइन के प्रीएम्बल का पार्ट बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। अच्छा जी, इसके बाद आती है बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है कि ये तहरीरी आइन था, और इसके अंदर क्या चीज शामिल की गई देखिएगा जरा। पाकिस्तान के वैसे तो तीनों आइन जो हैं वो हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, पाकिस्तान के तीनों जो आइन हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी वजह यह थी, हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिस्कस किया था कि वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है वो हमने इख्तियार किया है। जब वफाकी निज़ाम हुकूमत इख्तियार किया जाता है क्लास, तो याद रखिएगा कि वफाकी निज़ाम हुकूमत फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो पहली कंडीशन है, जो पहली शर्त होती है, वो एक तहरीरी आइन होती है। जब आप वफाकी निज़ाम हुकूमत अपनाते हैं तो आपका आइन हर सूरत में लिखा हुआ होगा, रिटन फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, यही वजह है कि पाकिस्तान के जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो रिटन फॉर्म के अंदर हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिएगा, इट वॉज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने ब्रैकेट में आपकी आसानी के लिए इसको लिखा है, अ फेडरेशन मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ फेडरेशन मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स शामिल किए गए? 234 आर्टिकल्स और 6 शेड्यूल्स जो थे वो इसमें शामिल किए गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये एक तरह से एक बहुत ही जामे किस्म का आइन था। 56 का आइन एक तहरीरी आइन था। 234 आर्टिकल्स 234 आर्टिकल्स एंड 6 शेड्यूल्स वर इंक्लूडेड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर वन पे आपने प्रीएम्बल रखना है और नंबर टू पे आपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखना है। ठीक है, ये जल्दी में बनी हुई है इसलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक अगर नंबरिंग की है तो इसको आप खुद ही करेक्ट कर लें। अच्छा जी, जी प्लीज सर, ये इंप्लीमेंट कब हुआ था? 23 मार्च 1956 23 मार्च 1956। प्रीएम्बल की स्पेलिंग बता दे। PREPREAMBLE प्रीएम्बल, प्रीएम्बल जोड़ के लिखना है, प्रीएम्बल। दिबाचा कहते हैं उसको उर्दू में, दिबाचा, इफ्तिताया, इब्तिदाया, एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, चलें जी आगे आ जाएं जी। नोमेनक्लेचर ऑफ द स्टेट, ये सारी चीजें आपकी बुक में मौजूद होंगी यकीनन, लेकिन आपकी आसानी के लिए स्लाइड्स आपके साथ शेयर की है मैंने इस लेक्चर में, और ये मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ अगर ये लेक्चर्स इसके साथ आगे 2-3 और लेक्चर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं वो अगर स्लाइड्स के साथ हो जाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, आपको समझ आने में समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेम ऑफ द कंट्री या नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान का क्या नाम रखा गया? पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या नाम रखा गया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
ये मेरा ख्याल है जी, ये नेम जो है वो इसी आइन में रखा गया था या पहले भी था? नहीं, इससे पहले ये चीज तय थी कि पाकिस्तान जो एक इस्लामी स्टेट होगी, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया वो जो हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया था। अब देखे ना, फुल फ्लज एक कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया जा रहा है। 56 से पहले तो आइन नहीं था, वो एक अबूरी आइन था जिसको हम अक्सर बोलते हैं इंटरनम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनम एक्ट 1947 का, ठीक है, और उसके अंदर 1935 के एक्ट के अंदर जो है वो तरमीमें की गई थी। तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई नहीं था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज ये जो हम पढ़ रहे हैं 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले तो पाकिस्तान का प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई भी नहीं था, ठीक है। ये पाकिस्तान का फर्स्ट और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है जो अप्लाई किया जा रहा है या नाफिज किया जा रहा है, एनफोर्स किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज, ये जरा थोड़ा सा समझिएगा। पाकिस्तान के अंदर वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है वो इख्तियार किया गया, और पाकिस्तान में जब वफाकी निज़ाम हुकूमत इख्तियार किया गया तो उसके अंदर 3 लिस्टें मुतारफ करवाई गई। अब वो जो हम बात कर रहे थे कि आइन तहरीरी होगा, आइन तहरीरी इसलिए था कि वफाक और सूबों के दरमियान जो है वो पहले से लिख कर चीज़ों को तय कर लिया जाए कौन सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर कानून साजी का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का होगा, और कौन से मामलात हैं, मैटर्स हैं या अफेयर्स हैं उनके ऊपर कानून साजी का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होगा, ठीक है। तो टोटल 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें मुतारफ करवाई गई। नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, फेडरल लिस्ट। नंबर 2 प्रोविंशियल लिस्ट। नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्टें हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में मुतारफ करवाई गई। अब देखें, फेडरल लिस्ट के अंदर जो मामलात थे ना उसके ऊपर कानून साजी का सिर्फ और सिर्फ इख्तियार किसका है, किसके पास अथॉरिटी थी? फेडरल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर जितने मैटर्स हैं ना वो, उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कानून साजी का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, कम्युनिकेशन, मवासलात में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी रेलवेज, आपकी एयरलाइंस, आपकी और भी जितने कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं, टेली कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी फेडरल गवर्नमेंट के पास आती हैं। इसके बाद फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, खारजा के जो अमूर हैं वो फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ गई करेंसी। करेंसी, ये सारे मैटर्स कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर कानून साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का है, ठीक है, क्योंकि वो फेडरल लिस्ट के अंदर शामिल है। अच्छा, जो आपके पास हैं प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर मैटर्स, उसके ऊपर कानून साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। अब इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तीसरी एक लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट इसके अंदर क्या था कि दोनों असेंबलीज, फेडरल की भी और प्रोविंशियल की भी, यानी नेशनल असेंबली भी और प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों जो थी वो इसके ऊपर जो है वो आप कह लें कानून साजी का इख्तियार रखती थी, यानी दोनों के पास इख्तियार था कि अगर वो इत्तेफाक राय के साथ लॉज को बना लें तो बना लें, लेकिन इन केस ऑफ क्लैश, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये चीज नोट करिएगा, अगर दोनों इत्तेफाक राय से फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें आपस में मिलकर बना लें तो बना लें, इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, द डिसीजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, द डिसीजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी टेकन एज फाइनल, ठीक है। तो जो वफाकी हुकूमत का फैसला होगा वो हतमी समझा जाएगा अगर कन्फ्लिक्ट आएगा। ये इसमें जो चीज है वो शामिल आपने करनी है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो फेडरल लिस्ट को हम उर्दू में कहते हैं वफाकी फरहिस्त, प्रोविंशियल लिस्ट को हम बोलते हैं सूबाई फरहिस्त, और कंकरेंट लिस्ट को हम बोलते हैं मुतसिल्ला, मुतसिल्ला फरहिस्त। अब आप देखें फेडरल लिस्ट में 30 मैटर्स थे उस वक्त, प्रोविंशियल लिस्ट में 94 मैटर्स थे, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 19 मैटर्स जो है वो शामिल किए गए थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पाकिस्तान के 56 के आइन में कितनी लिस्टें मुतारफ करवाई गई बताइए? 3 लिस्टें मुतारफ करवाई, ठीक है, और वो कौन कौन सी थी ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में अपनाया गया 56 कायदे के तहत, और इसके अंदर तमाम इख्तियार वज़ीर आज़म साहब के पास थे. ठीक है, वज़ीर आज़म के पास थे. अच्छा, थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम समझिएगा. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तमाम इख्तियार वज़ीर आज़म के पास हैं, लेकिन वज़ीर आज़म अकेला खुद कुछ भी नहीं होता, वो अपनी काबीना के साथ मिलकर